फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार सही तरीके की डाइट लेने की वजह से और अपनी बॉडी को भी सही तरीके से ट्रीट करने के बावजूद भी हमें कैंसर की बीमारी अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी खुद की कुछ ऐसी आदतें हैं जो कैंसर को सामने से इनविटेशन देती हैं कि आइए हमारे पास। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम घर के अंदर कई ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जिनसे कैंसर की बीमारी हो सकती है, जैसे कि एयर फ्रेशनर। आजकल के दौर में घर को एक अच्छी सी महक देने के लिए लोग ज्यादातर रूम फ्रेशनर, कार फ्रेशनर या फिर होम फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उसी एयर फ्रेशनर के अंदर इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो अगर हमारी बॉडी पर या फिर सांस के माध्यम से हमारे अंदर चले जाएं तो वो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर की बीमारी को पैदा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं टैल्कम पाउडर के बारे में। टैल्कम पाउडर जिसे हम अपनी बॉडी पर लगाकर बॉडी से पसीने को कंट्रोल करते हैं और अपनी बॉडी पर अच्छे से अच्छी खुशबू को अप्लाई करते हैं, वही टैल्कम पाउडर अगर सही क्वालिटी का ना हो और चीप क्लास हो तो उसका इस्तेमाल करने की वजह से भी हमारी बॉडी पर कैंसर की बीमारी हो सकती है। इसी के साथ साथ मेकअप प्रोडक्ट्स जिनका इस्तेमाल लड़कियां बहुत ज्यादा करती हैं, अगर मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपको करना ही है तो अच्छे लेवल के और अच्छे ब्रांड्स को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा चीप क्लास ब्रांड का इस्तेमाल करेंगी तो वो आपकी स्किन पर स्किन कैंसर को पनपने की जगह दे सकता है। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए ताकि आप कैंसर जैसी बीमारी से अपने आप को बचा सके। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।